मधुबनी पहुंचे राज्यसभा सांसद संजय झा का नागरिक अभिनंदन सह भव्य सम्मान समारोह। जदयू कार्यकर्ताओं में दिखा भारी उत्साह। संजय झा ने कहा, बिहार में सभी 40 सीटों पर जीतेगी एनडीए। जदयू प्रत्याशी राज्यसभा सांसद बनने के बाद संजय झा पहली बार अपने पैतृक जिला मधुबनी पहुंचे थे। पार्टी कार्यालय में आयोजित नागरिक अभिनंदन सह सम्मान समारोह में कार्यकर्ताओं ने मिथिलांचल की परंपरागत पाग दुपट्टा से सम्मानित किया। जदयू कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखा गया। सभा में पहुंचे सैकड़ों कार्यकर्ताओं को संबोधित करते संजय झा ने कहा कि मिथिला में एक इंटरनेशनल स्टेडियम लाने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि मिथिला में अभी बहुत सारे काम को धरातल पर उतारने की जरूरत है, जिससे मिथिला की जनता को आर्थिक रूप से मजबूती मिले। बिहार के विकास के लिए संसद में अपनी बातों को बुलंद करूंगा और बिहार को विकास की ओर अग्रसर करने का प्रयास करूंगा। धार्मिक स्थलों के बारे में उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थल सौंदर्यीकरण से व्यवसाय को मजबूती मिलेगी और रोजगार बढ़ेगा। बिहार और केंद्र डबल इंजन की सरकार मिल गई और विकास की गति और बढ़ी है। जिस तरह से केंद्र और बिहार नेतृत्व द्वारा मिलकर योजना को जिस तरह से धरातल पर उतार रहे हैं, इससे जनता को आर्थिक मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा, मिथिला में अधिक से अधिक उद्योग लगाया जाएगा, पर्यटक स्थलों के डेवलप को लेकर काम किया जाएगा। कार्यक्रम को पूर्व विधान पार्षद विनोद सिंह, पूर्व मंत्री लक्ष्मीश्वर राय सहित कई नेताओं ने संबोधित किया। इसी के साथ मधुबनी से चौथा स्तंभ ब्यूरो रिपोर्ट। मिथिला हाट अब मिथिला का एक पहचान हो गया, सक्सेस स्टोरी है। ये स्टोरी को कोई दिखा सकता है कि बना करके कितना बड़ा सक्सेस स्टोरी है। 350 लोगों को रोजगार मिल गया वहां पर, इतनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पोटेंशियल है। उस हिसाब से हम लोगों ने काम नहीं किया। ये एक सैंपल है कि मिथिला में भी कुछ भी हो सकता है अगर कोशिश करें तो। उस पर तो हम लोग काम कर रहे हैं, जितना इस साइड में काम करना है वो तो काम किए ही पिछले 4 साल में, लेकिन सिर्फ यहां पर काम करने से नहीं होगा, नेपाल साइड में भी इसमें काम करना होगा और उसमें भारत सरकार का ही रोल है। तो हम लोग ऑलरेडी इस बात को टेकअप भारत सरकार से किए हुए हैं कि दो कंट्री के बीच की बात है कि नेपाल से बात करके इसका कोई रास्ता निकालने का, और एक बार डिजाइन फाइनल हो जाएगा, एम्स वहीं बन रहा है शोभन, तो वहां पर काम शुरू हो जाएगा। और जैसे एयरपोर्ट है तो उसका टेंडर फाइनल हो गया, अब जल्दी ही एयरपोर्ट पे काम शुरू हो जाएगा। तो ये मुझे लगता है कि गेम चेंजर हो जाएगा पूरा मिथिला के लिए, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे एम्स हो, चाहे हेल्थ सेक्टर में हो, चाहे जो लोगों को आने जाने को लेकर के हो। मैं जो बोलता हूँ कि मिथिला में इन्वेस्टमेंट की पूरी पॉसिबिलिटी है, वो इसलिए कि यहाँ पर एयरपोर्ट है, वो भी एक बड़ा एडवांटेज है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट लाने के लिए। तो आने वाले टाइम में मैं इतना बता देता हूँ कि मिथिला का समय अब आ गया है। नहीं, हम लोगों का ये है कि आने वाले टाइम में जब नई सरकार एनडीए की बनेगी केंद्र में और बिहार में यहाँ सरकार है, तो मिथिला के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट आए, उद्योग लगे, वो हम लोगों का प्रायोरिटी रहेगा कि वो बड़े स्केल पर यहाँ हो, जिसकी पूरी संभावना मिथिला में इस चीज को लेकर के है। और बहुत सारा रिलीजियस पर्यटक स्थल है, उसको भी कैसे डेवलप किया जाए, उस पर हम लोग काम करेंगे। यही एक थीम है कि इन्वेस्टमेंट लाना यहाँ पर। उस पर तो हम लोग काम कर रहे हैं, जितना इस साइड में काम करना है वो तो काम किए ही पिछले 4 साल में, लेकिन सिर्फ यहां पर काम करने से नहीं होगा, नेपाल साइड में भी इसमें काम करना होगा और उसमें भारत सरकार का ही रोल है। तो हम लोग ऑलरेडी इस बात को टेकअप भारत सरकार से किए हुए हैं कि दो कंट्री के बीच की बात है कि नेपाल से बात करके इसका कोई रास्ता निकालने का, और एक बार डिजाइन फाइनल हो जाएगा, एम्स वहीं बन रहा है शोभन, तो वहां पर काम शुरू हो जाएगा। और जैसे एयरपोर्ट है तो उसका टेंडर फाइनल हो गया, अब जल्दी ही एयरपोर्ट पे काम शुरू हो जाएगा। तो ये मुझे लगता है कि गेम चेंजर हो जाएगा पूरा मिथिला के लिए, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे एम्स हो, चाहे हेल्थ सेक्टर में हो, चाहे जो लोगों को आने जाने को लेकर के हो। मैं जो बोलता हूँ कि मिथिला में इन्वेस्टमेंट की पूरी पॉसिबिलिटी है, वो इसलिए कि यहाँ पर एयरपोर्ट है, वो भी एक बड़ा एडवांटेज है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट लाने के लिए। तो आने वाले टाइम में मैं इतना बता देता हूँ कि मिथिला का समय अब आ गया है। नहीं, हम लोगों का ये है कि आने वाले टाइम में जब नई सरकार एनडीए की बनेगी केंद्र में और बिहार में यहाँ सरकार है, तो मिथिला के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट आए, उद्योग लगे, वो हम लोगों का प्रायोरिटी रहेगा कि वो बड़े स्केल पर यहाँ हो, जिसकी पूरी संभावना मिथिला में इस चीज को लेकर के है। और बहुत सारा रिलीजियस पर्यटक स्थल है, उसको भी कैसे डेवलप किया जाए, उस पर हम लोग काम करेंगे। यही एक थीम है कि इन्वेस्टमेंट लाना यहाँ पर।